कर रहे आप इससे आगे बात ना कर सकते। आज क्लास 16 हम कर रहे हैं। सबको जय मसीह। धन्यवाद धन्यवाद पिता परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी बनाने वाले पिता परमेश्वर, तेरी महिमा तेरी प्रशंसा पिता परमेश्वर। धन्यवाद पिता परमेश्वर, तूने हम सभी को सुबह से शाम तक संभाला, इसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। खास प्रार्थना करती पिता परमेश्वर, जो भी पिता परमेश्वर सर क्लास सिखा रहे पिता परमेश्वर, हम सभी के जीवन में लागू करें पिता परमेश्वर, ताकि हम तेरी प्रशंसा तेरी बढ़ाई कर सकें। हमें लिखने पढ़ने में पिता परमेश्वर ज्ञान को सामर्थ बल देना पिता परमेश्वर, ताकि हम हर दिन पिता परमेश्वर तेरे वचन में बढ़े सुना जाए, ऐसी गिनती में आराधना करता। जो भी जो लोग देख रहे हैं पिता परमेश्वर, जुड़ने भी पिता परमेश्वर ज्ञान बुद्धि और सामर्थ बल देना पिता परमेश्वर, ताकि और भी लोग जुड़े पिता परमेश्वर तेरी संगति में, ऐसी गिनती में आराधना करता हूँ। सारा आदर सारा महिमा आपके चरणों में सौंपता हूँ, प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। सो हम क्लास 16 में है, आज 16 और 17 होगा, और हमने लगभग मतलब 50% 60% क्लास मतलब आ गया सेमेस्टर पर। और हम देख सकते हैं आज इस संसार में लोग अलग अलग जगह पे भी हैं। आज कुछ लोग IPL देख रहे होंगे, चालू हो गया क्रिकेट, और कुछ लोग काफ़ी फेस्टिवल मना रहे होंगे, रेस्ट ले रहे होंगे, मगर हम इधर एक साथ वचन सुनने के लिए आए हैं। तो ये हमारे एक ये जो निर्णय है, डिसीशन है, बुद्धिमान वाला निर्णय है कि हम आए हैं कि वचन सुनने के लिए और सीखने के लिए, ठीक है। तो हमने लास्ट फ्यू क्लासेस हमें आत्मिक विवेक के बारे में देखा, स्पिरिचुअल डिसर्नमेंट, राइट। और क्या होता है जनरली, हम स्पिरिचुअल ये आत्मिक विवेक के द्वारा हमें क्या पता चल सकते हैं हम जब वो इस्तेमाल करते हैं, तो कुछ ट्राई कर सकते हैं, कुछ तो जवाब दे सकते हैं। जब हम आत्मिक विवेक यूज इस्तेमाल करेंगे ना, तो हमें क्या क्लियर हो जाता है, किसके अच्छाई और बुराई का फर्क हमें समझ में आता है, और हम परख सकते हैं कि जो लाइक जो अगर कोई प्रभु में है ओके, और वो कुछ बात बोल रहा है तो वो परमेश्वर की ओर से है या नहीं। मीन्स वचन अगर हमें पता रहेगा, अगर परमेश्वर का आत्मिक विवेक हमारे पास होगा तो हम उस चीज़ को परख सकते हैं। सेकेंड थिंग अंतिम वचन है, काफ़ी है मतलब मेन चीज़ क्या है, हमें अंतर परखने के लिए कि सच्चाई बुराई, सच्चाई झूठ, अच्छा बुरा, और अच्छा और सबसे अच्छा, मतलब बिटवीन गुड एंड द बेस्ट ऑल्सो, बिकॉज सेटन कैन मतलब शैतान ने परमेश्वर आपके लिए क्या रखा है उसको छोड़ के उसके और नीचे वाला खुद कोई और ऑप्शन लेके आ सकता है, तो वो हम चूज कर सकते हैं हम। तो उसमें ये भी मतलब परमेश्वर का इच्छा क्या है, परमेश्वर का इच्छा क्या है, वो क्लियर होता है जब हम आत्मिक विवेक इस्तेमाल करते हैं। तो उसके बाद क्या होगा, ठीक है, मुझे परमेश्वर का इच्छा क्लियर हो गया, थोड़ा अभी मैं समझ पा रहा हूँ, मगर उसके बाद अगला स्टेप क्या है, हमें आज्ञा पालन करना, जो मुझे क्लियर हुआ है परमेश्वर से, मैं वो तुरंत मैं एक्शन करना, ओबीडियंस ना, आज्ञा पालन बोलते हैं, ओबीडियंस ना, ओबीडियंस ओबीडियंस बहुत इम्पोर्टेंट है कि मैं परमेश्वर का आवाज़ को मैं अभी पहचान पा रहा हूँ, परमेश्वर का इच्छा पहचान पा रहा हूँ, क्योंकि मैं आत्मिक विवेक इस्तेमाल करके। तो उसके बाद मुख्य चीज़ ये है, मैं उसको लागू करना, मैं उसके ऊपर एक्ट करना ना। काफ़ी समय पे ये दो चीज़ ही गलती होती, मैं सही से सुन नहीं पा रहा हूँ, मैं तो सही से मैं परमेश्वर का इच्छा पहचान नहीं कर पा रहा, और दूसरा मैं पहचान किया मगर मैं उसको कार्य नहीं किया, ये दो ही बड़ गलती हो सकती कोई भी आत्मिक विषय। तो
तो मुझे आत्मिक विवेक के द्वारा पहचान कर सकते हैं। उसके बाद बहुत मुख्य स्टेप ये है हमारा ओबीडियंस का, आज को पालन करना और जल्दी तुरंत पालन करना, राइट। और किस किस को आत्मिक विवेक नहीं हो सकता, मतलब इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे ठीक से, कौन कौन इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे? कैसे मिलता है हमें आत्मिक ये विवेक, ये स्पिरिचुअल? हाँ, मतलब परमेश्वर के साथ रिश्ता में रहेंगे पवित्र आत्मा के द्वारा। ये एक वरदान भी है ना, हम बोल 1 कुरिन्थियों 12 में लिखा है गिफ्ट ऑफ डिसर्नमेंट लिखा है, ये आत्मिक विवेक एक वरदान भी है परखना, तो पवित्र आत्मा के द्वारा दिया हुआ है। उसके लिए क्या होना चाहिए? मैं विश्वासी होना चाहिए। अगर मैं अविश्वासी हूँ, मुझे आत्मिक विवेक नहीं हो पाऊंगा, मेरे पास मैं उसको इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा। और दूसरा, अगर मैं विश्वासी है मगर मैं कुछ मेरे पास कुछ गलत आदत है, मैं बार बार मैं पाप में गिर रहा हूँ ना, और बार बार पाप में गिर रहा हूँ मतलब कंटिन्यूसली मुझे पता है ये नहीं करना है फिर भी मैं करता रहा, और नहीं तो मैं आज्ञा पालन नहीं कर रहा हूँ, परमेश्वर के साथ सही रिश्ता में नहीं हूँ, मैं मसीह हूँ, विश्वासी हूँ, मेरा उद्धार है, मैं स्वर्ग में जाने वाला हूँ, मगर मेरा जीवन परमेश्वर का प्रसन्न नहीं कर रहा, तो मैं परमेश्वर का क्लियरली सुन नहीं पाऊँगा, तो मेरा आत्मिक वे कमज़ोर होगा, मेरा क्लियर नहीं होगा परमेश्वर की इच्छा, ठीक है। तो आगे मतलब ये कैसे हम ले पाएंगे, कैसे ले या आत्मिक विवेक ले सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं ना, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। डिसीजन मैं बताने वाला हूँ, मतलब आत्मिक स्पिरिचुअल डिसर्नमेंट को हम कैसे कैसे डेवलप कर सकते हैं, ऐसा बोल सकते। तो पहला है कि हमें जानना है कि ये बहुत मूल्य है, बहुत आवश्यक है ये आत्मिक विवेक, बहुत लाभदायक है और मूल्य है करके हमें पहचानना है और समझना है, वो पहला काम। क्योंकि हम काफ़ी चीज देखते हैं सुनते हैं मगर उसके पीछे कुछ और मतलब भी होता है, हमारा समझ के बाहर भी काफ़ी अलग अलग चीज़ हो रहा होगा और अलग अलग मतलब भी है कि मेरे सामने कोई कुछ बोल रहा होगा बट उनका उनका सोच विचार उनका इच्छा अलग हो सकता है जो परमेश्वर हमें दिखा सकता है, राइट। और ये भजन संहिता 119 और 66 कोई पढ़ सकता है इसमें डिसर्नमेंट के बारे में। उधर शक्ति कर शक्ति लिखा है, विवेक शक्ति, तो हम जब आज्ञा पालन करते हैं हमें परमेश्वर और विवेक ये विवेक शक्ति देते हैं। और दूसरा कि हम पवित्र आत्मा के ऊपर निर्भर रहना है सच्चाई के लिए, कोई सिचुएशन नहीं, कोई जो बोल रहे हैं उसके ऊपर नहीं, मगर मैं कुछ निर्णय ले रहा हूँ, कुछ समझना चाह रहा हूँ, मैं क्या पूछूंगा पवित्र आत्मा से, मैं पूछूंगा मतलब बेसिकली मैं परमेश्वर से पूछ रहा हूँ ये सिचुएशन क्या है, मतलब ये क्या सही है, ऐसा कुछ लोग बोल रहे हैं
ऐसा स्थिति हो रहा है, मगर इसमें मुझे आप समझाइए कि क्या है। और परमेश्वर कुछ चीज़ दिखाएंगे, बताएंगे ना, और वो कभी वो जो बोलेंगे वो सच होगा, सही होगा ना। क्योंकि कभी कभी हम जो सुन रहे हैं और देख रहे हैं उसके ऊपर जा सकते हैं, और ना वो हमेशा सही नहीं हो सकता। ये इब्रानियों 4:12 है, और ये परमेश्वर का वचन के द्वारा ही होता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चौका है, और प्राण और आत्मा को और गाँठ गाँठ और गुदे गुदे को अलग करके आर पार छेदता है, और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। मतलब हमारा मतलब मन का भावनाओं और विचारों और प्राण और आत्मा इसके बीच में भी, मतलब हमारा सोच हमारा विचार उसको भाग नहीं कर सकता, अलग नहीं कर सकता, तुलना नहीं कर सकता, अंतर नहीं कर सकता, मुश्किल होता है। मगर परमेश्वर का वचन उसका अंतर कर सकता है। और परमेश्वर का वचन का कौन याद दिलाता है? पवित्र आत्मा याद दिलाता है। यूहन्ना John 14:26 में है तो याद दिलाता है। और वो सही मतलब ये स्थिति में ये जो भाई है बहन है उनका प्रेरणा क्या है, उनका मकसद क्या है, और ये परमेश्वर का इच्छा क्या है ये स्थिति में, ये परमेश्वर का वचन के द्वारा पवित्र आत्मा हमें बताएगा और वो सच है। और तीसरा, हम परमेश्वर का वचन को अच्छा पढ़ना है। पहला पॉइंट क्या देखे, मतलब आत्मिक विवेक ये बहुत लाभदायक है और जरूरी है करके पहचानना है। दूसरा, पवित्र आत्मा के ऊपर हम निर्भर रहना है सच्चाई के लिए। और तीसरा, अभी परमेश्वर का वचन को हम अच्छा पढ़ना है। क्योंकि ये परमेश्वर का वचन के ऊपर काफी गलत तरीके से भी लोग इस्तेमाल करते हैं, कि जो भी यीशु मसीह और बाइबल कलीसिया जो बात करेंगे सब लोग सच्चाई नहीं है, क्योंकि बाइबल में भी लिखा हुआ है कि गलत झूठे प्रचारक और झूठे भविष्यवक्ता है और ज़्यादा होंगे अंतिम दिनों में। ये अभी नया नहीं हुआ है, जब मूसा का समय में अब्राहम का समय से ही लोग हैं। ये एलिया का कितना 450 भविष्यवक्त लोग थे, बाल का सब लोग उसी दिन मार दिया गया था, राइट। एक राजा 18 में कि मतलब एलिय्याह के टाइम पे देखो कितना लोग थे और आज भी हैं और छुपे हुए हैं। कि हम पिछले क्लास में शायद पढ़ रहे थे ना, ये बेड़िया बेड़ जैसे ना, बाहर बेड़ जैसे होंगे मगर अंदर क्या है, वो सच में बेड़िया है ना, वो झूठे प्रचारक ऐसे। तो हम जब अच्छा सीखेंगे पढ़ेंगे, जैसे इसीलिए हम बाइबल स्टडी आ रहे हैं, बाइबल क्लास आ रहे हैं, चर्च में आ रहे हैं, अच्छा वचन सीखने के लिए, सही तरीके से सीखें। हमने ये इब्रानियों 4:12 में देखे ना, वचन क्या है, दो तारी तलवार है ना। अगर मैं हैंडल नहीं कर पाऊँगा वो मुझे भी काट सकता है, वो दो साइड में भी शार्प है। उसको हैंडल करने के लिए मेरे पास अच्छा स्किल होना चाहिए ना, अच्छा टैलेंट, स्किल बोलते हैं होना चाहिए। अगर मैं गलत उपयोग करूंगा मैं मुझे काट सकता, मुझे भी, सिर्फ मुझे नहीं, मैं किसको मैं शेयर कर रहा हूं उन लोग को भी, उनका जीवन को भी डैमेज कर सकता। तो हमें ये सीखना है वचन क्यों स्टडी, क्या स्टडी करना, सही तरीके से मैं समझ रहा हूं क्या, जैसे पवित्र परमेश्वर ऑथर है, परमेश्वर ने वचन दिया है तो परमेश्वर जिस तरीके से हमें समझाएंगे वही सही समझ। क्योंकि कभी कभी हम ये मनुष्य का समझ ले सकते हैं, गलत समझ ले सकते हैं, और उसको हम लोगों का जीवन का डैमेज कर सकते हैं, उसके द्वारा हार्म कर सकते हैं। जैसे एक आग है, आग हम
खाना बनाने के लिए भी अच्छा अच्छा इस्तेमाल कर सकता है, और हम जब ठंड लग रहा है कि गर्म करने के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो कोई नाश करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम सही तरीके से इस्तेमाल करना सीखना है, ताकि हम सही तरीके से इस्तेमाल कर सकें। जैसे आत्मा बोलते हैं और लेटर बोलते हैं कि आत्मा जीवन देगा, मतलब सही आत्मा से हम पढ़ते हैं, समझते हैं, इस्तेमाल करेंगे, वो जीवन देगा, और वही परमेश्वर चाहता है। ये तो अगर हम सिर्फ वो जो लिखा हुआ शब्द के हिसाब से सही आत्मा से इस्तेमाल नहीं कर रहे तो वो हार्म कर सकता, उसका उसको लेके लोगों को चोट पहुंचा सकते, आत्मिक रीति से, मानसिक रीति से। तो हम पढ़ते जब पढ़ेंगे वचन में तो क्या होगा, जब मेरे सामने एक परिस्थिति आएगा, नहीं तो कोई सिचुएशन आएगा मैं, और शैतान कुछ हमला लेके आ रहा है, मैं क्या सोचूंगा, वचन क्या बोल रहा है इसके बारे में, परमेश्वर क्या बोलना चाहता है इस समय, वो मैं देखूंगा, तो वो मुझे आत्मिक विवेक देगा। तो अगर ये बाइबल मुझे मेरा फाउंडेशन है, तो बाइबल मेरा मन में रहेगा, तभी उसको पवित्र आत्मा इस्तेमाल करके उस समय पे मुझे वो याद लेके आएगा, वचन ये बोल रहा है तुम ऐसे करो, तो क्लियर होगा। अगर ये फाउंडेशन नहीं है, मुझे पवित्र आत्मा भी मुझे उस वचन को इस्तेमाल करके मुझे क्लियर क्लैरिटी नहीं दे पा रहा मुझे, तो हम जाते हैं जहाँ पे हमें क्लैरिटी नहीं है, हम इसलिए पासवान से बात करते हैं, चर्च में जो आत्मिक रीति से परिपक्व है उनसे बात करके सलाह ले सकते हैं, मगर हमारा और वो लोग कैसे दे रहे हैं सलाह, वो भी पवित्र आत्मा के द्वारा, वचन के द्वारा दे रहा, तो वो हमें ज़रूरी है। ये तीन पॉइंट हमने देख लिया, और एक लास्ट ये है, ये पॉइंट नहीं है बट ये साइड पॉइंट है, जैसे ये आत्मिक विवेक हम इस्तेमाल कर रहे हैं ना, और उसको हम लागू करने के लिए एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, धीरज, धीरज बहुत इम्पॉर्टेंट है। कभी कभी हम अगर धीरज नहीं है, धीरज किसी लिए, परमेश्वर से ये क्लैरिटी मिलने के लिए, और परमेश्वर का वचन के अनुसार क्लियर होने के लिए। अगर हमारे पास धीरज नहीं होगा, हम कभी कभी क्लियर होने से पहले भी हम एक्शन कर सकते हैं, वो एक्शन किस बेसिस पे होगा, मेरा सोच, मेरा विचार, परमेश्वर क्लियर नहीं किया, मैं कुछ सोच रहा हूँ, मैं एक्शन कर लिया उसके ऊपर, उसके ऊपर कार्य कर लिया। तो धीरज भी ज़रूरी है, हम परमेश्वर से सुनने के लिए हम थोड़ा कुछ सिचुएशन में इंतज़ार करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा काफ़ी समय, ये ना इंतज़ार नहीं किया तो हम गलत डिसीजन ले सकते हैं, इंतज़ार करना ज़रूरी है। हम लूका 13 देखेंगे, एक एग्जांपल देखेंगे ये आत्मिक विवेक का, काफ़ी एग्जांपल्स है, हम एक दो देखेंगे। लूका 13 में 11 से 16 तो इसमें मतलब काफ़ी बार हम क्या सोचते हैं कि उधर जो लोग हैं, यहूदी लोग हैं और वो क्या धार्मिक नेता लोग हैं उधर, राइट, वो क्या पूछ, उनका नज़र में क्या है, ये जो स्त्री का जो हुआ है वो क्या बेंड हुआ है ना, तो 18 साल से
वो क्या कैसे देखते हैं, ये एक मेडिकल इशू है, उनका शरीर का इशू है। मगर यीशु क्या बोल रहा है, ये एक स्पिरिट है, इसके पीछे एक आत्मा है, एक दुष्ट आत्मा है जो उसके वजह से ये 18 साल से क्या पीड़ित है, उसके वजह से वो बेंड हुए। ये मेडिकल इशू नहीं है, एक दुष्ट आत्मा का कार्य है। ये कैसे यीशु मसीह पहचान रहा है, उनका आत्मिक विवेक, क्योंकि वही वचन है ना। सो जब हमें आत्मिक विवेक होगा, हम जब लोग संसार एक चीज़ बोलेगा ये है, बट गॉड मुझे हमें दिखाएंगे ये जो संसार बोल रहे वो नहीं है, ये है ना। काफ़ी टाइम पे ये भी मेंटल प्रॉब्लम्स होते हैं लोगों को ना। एक्चुअली कुछ लोग का ये जो दुष्ट आत्मा अंदर हो सकता है, नहीं तो दुष्ट आत्मा का कुछ चरित्र निकल रहा है, और आप जो साइकैट्रिक डॉक्टर बोल रहे हैं ना, जो मेंटल इश्यूज के लिए, मानसिक इश्यूज के लिए लेके जाते हैं ना, तो उनको पूछेंगे वो क्या बोलेंगे, ये मेडिकल इश्यूज कुछ बताएंगे ना, कुछ नाम बोलेंगे इसका, स्किज़ोफ्रेनिया है, ये है, वो है, ये दवाई लेना है, क्योंकि वो बिलीव नहीं करते कि परमेश्वर के बारे में, आत्माओं के बारे में, स्वर्गदूत के बारे में। तो संसार का अलग सोच है और उनका वो आत्मिक विवेक नहीं है। हम देख सकते हैं वचन के द्वारा और पवित्र आत्मा का इस्तेमाल करके, और कि क्या क्या है परमेश्वर, क्या दिखा रहा है, सच्चा क्या है, और इसको हम डेवलप कर सकते हैं। ये जैसे हम आत्मिक रीति में परिपक्व होते हैं, वो हम डेवलप कर सकते हैं। तो एक और वचन देखेंगे, इब्रानियों 5। क्योंकि दूध पाने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वह बालक है। अगला भी। पर अन्य सियानों के लिए है, जिनकी ज्ञान इंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने में निपुण हो गई। मतलब जो आत्मिक रीति से परिपक्व है वो है ना, वो क्या है, मतलब ये अभ्यास करते हैं ना, मतलब ये क्या किया, हर सिचुएशन में उन्होंने परमेश्वर का वचन को लागू करके, उसके साथ चेक करके वो अभ्यास किए, प्रैक्टिस किए, तो वो भले बुरे का अंतर करने में वो क्या है, निपुण मतलब एक्सपर्ट जैसे है ना। तो एक्सपर्ट मतलब वो स्पिरिचुअली मैच्योर पर्सन, आत्मिक विवेक में हम बढ़ेंगे, हम आत्मिक परिपक्वता में भी हम बढ़े हैं। हाँ, उसका मतलब ये कि जो आत्मिक परिपक्व नहीं है, नहीं तो कम है, और विवेक उनके पास विवेक भी कम होगा, और वो मतलब ये अंतर समझना भी मुश्किल होता है, क्लियर नहीं होता। ठीक है, ये इधर हम आत्मिक विवेक के बारे में हम इधर हो गया, खत्म कर रहे हैं, और अभी एक नया हम शुरू कर रहे हैं, नया चैप्टर। ये तो ये शैतान का ये जलावा क्या तीर ना, जलावा तीर है ना, उसको कैसे हम बुझा सकते हैं, उसके बारे में। शैतान का क्या बोलते, जला हुआ जल रहा तलवार, फेरी डार्ट्स, जला हुआ तीर, जलते हुए। सो शैतान का जलते हुए तीरों का कैसे हम बुझा सकते हैं। हमने आपको शायद याद होगा कि वो डॉक्टर चार्ल्स स्टैनली का, उन्होंने एक सिचुएशन बता रहे थे ना, आँख में प्रॉब्लम हुआ था, और वो जब रात में अकेले होते हैं, शैतान आके कुछ बोलता है, आपका सेवका खत्म हो गया,
तो क्या है, हमारा उनका प्राण के ऊपर वो हमला कर रहे हैं। तो सिमिलरली एक और कहानी अभी देखेंगे, एक मिशनरी है अफ्रीका में, ये पहले हुआ था ना, काफ़ी साल पहले हुआ, तो अफ्रीका में एक मिशनरी थे, उनका क्या हो रहा था, उनका शरीर पे, वो बहुत अंदर एक जंगलों में, जैसे आदिवासी लोग हैं अफ्रीका में भी है, तो उधर वो सेवकाएं करें, उधर लोगों को वचन परमेश्वर के बारे में वो वचन सिखा रहे हैं, तो उनको काफ़ी बार एलर्जी होता है उनका शरीर पे, हाँ ये भी एक तरीका का अटैक है, हाँ हमला है, और वो सोचते हैं क्यों हो रहा है, काफ़ी समय से अलग अलग समय पे आ रहा है एलर्जी, कभी कभी हाथ में, कभी कभी पैर में, और वो सोचते हैं कि मैं कुछ अलग खा रहा हूँ क्या, ये तो अलग सी मौसम अलग होने की वजह से आ रहा है, बट उनको पहचान नहीं कर पा रहे किस वजह से ये एलर्जी आ रहा है। और एक बार ऐसा वो पूरा शरीर पे एलर्जी हो गया, और वो फिर भी एक जगह पे वो गए थे जैसे बाइबल स्टडी करने के लिए, और उनको ऐसा सोच आ रहा था नहीं मैं परमेश्वर जो आज्ञा दिया है वो मैं पूरा कर रहा हूँ करके, और उस दिन रात जब वापस आए उनके घर पर शैतान ने एक सोच डाला, तुम आज मर जाएगा, तेरा टाइम समय आ गया, तुम आज मर जाएगा, उसका मन में ये सोच आ रहा है, ठीक है, वो खुद नहीं सोच रहा है, बाहर से आ रहा है, शैतान ये सोच डाल रहा है, राइट, और उसका पूरा शरीर में एलर्जी हो गया, और बहुत मुश्किल है बात करना भी, मुश्किल हो के बात करे, अंदर भी एलर्जी का इफेक्ट है उसका गले में सब, तो उसको ये सोच आ रहा है, और उसका क्या आ रहा है, डर आ रहा है, क्योंकि उस वो भी मानने लग रहा है शायद मैं आज मेरा आखिरी दिन होगा, आज रात मैं शायद मर सकता हूँ, क्योंकि उसका सोच आ रहा है। तो फिर वो क्या सोचा, ठीक है मैं प्रार्थना करूँगा करके वो बैठ के प्रार्थना करना कोशिश कर रहा है, मगर उसका प्रार्थना नहीं निकल रहा, मतलब आवाज़ प्रॉपर नहीं आ रहा। वो इमिडिएटली क्या किया, उधर से भागा, कुछ दूर पे एक और मिशनरी फैमिली है, तो उनके पास गया, उनको बोला मुझे ऐसा सोच आ रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है, आप मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे लिए प्रार्थना करने में मुश्किल हो रहा है, आप मेरे लिए प्रार्थना करो। तो वो मिशनरी फैमिली क्या किया, वो प्रार्थना किए, और वो प्रार्थना में ये बोले, आज तुम नहीं मरेगा, आज तुम जिंदा रहेगा, तुम नहीं मरेगा, ये बोल के काफ़ी बार बोल के प्रार्थना की, और अभी वो जो सोच आ रहा था उनका, आज मैं मर सकता हूँ, और वो ये क्या कर रहे, ये मतलब जैसे कन्फेशन ऑफ फेथ बोलते हैं, मैं विश्वास के साथ परमेश्वर में ये बता रहा हूँ कि आज तुम नहीं मरेगा, आज तुम्हारा आखिरी दिन नहीं है, कि मैं उसको क्या विरुद्ध कर रहा हूँ, परमेश्वर के सोच विश्वास के साथ शैतान का सोच का विरुद्ध कर रहा हूँ। और वो जैसे बोल के वो प्रार्थना कर रहे थे, इसका मन में आशा आने लगी, वो प्रार्थना के द्वारा उनका आशा आने लगे, नहीं हाँ आज मैं नहीं मरूंगा। और फिर उतने समय में उन्होंने डॉक्टर बुलाया, डॉक्टर कुछ दवाई वगैरह दिए, और कुछ समय के बाद वो ठीक हो गया पूरा एलर्जी से, और वो बोल रहा था, उन्होंने बोल रहे थे फिर वो मिशनरी कि उसके बाद मैं और मतलब और मैं गंभीरता से मतलब और बोल्डली मैं प्रचार कर रहा था, मुझे पता चला कि शैतान का ये हमला है, मैं और विश्वास में और बढ़ा, और प्रभु का और मैं और मजबूत से मैं सेवा करने का ये मुझे हेल्प किया, मदद किया। हम देख सकते शैतान कैसे हमला करता है, ये एक जलते हुए तीर है कि तुम आज मर सकता है, क्योंकि जैसे हम पहले देखे हमारा प्राण को वो अटैक करता, हमारा माइंड में ना, हमारा माइंड है ना, जो मन है वो प्राण का एक पार्ट है, प्राण का पांच पार्ट है, मन भी हमारा एक पार्ट है, इंग्लिश में ये बोलते हैं माइंड विल इमोशंस, अब पढ़ रहे होंगे ना बिब्लिकल साइकोलॉजी में, पास्टर बोले कॉन्शियस और सबकॉन्शियस, मुझे हिंदी में नहीं पता है, बट माइंड विल इमोशंस कॉन्शियस और सबकॉन्शियस, ये पांच पार्ट है हमारा प्राण का, सोल का, राइट, तो वो माइंड को बहुत अटैक करता है, ऐसे कहते हैं कि एन एम्प्टी माइंड इज अ प्ले ग्राउंड फॉर डेविल, मतलब मेरा मन अगर खाली होगा शैतान उसमें खेलेगा ना, ऐसा क्या है? तो एफिशियन 6:16 देखेंगे,
क्या चाहिए? विश्वास, विश्वास का डाल, शील्ड ऑफ फेथ। तो ये जलते हुए तीरों को हम बुझाने के लिए, तो ये जो रोमियो का सिपाही लोग क्या करते हैं, हमने ये मूवीज में भी देखे होंगे ना, फिल्मों में, कि जब ये युद्ध होता है कि काफ़ी लोग आगे जो सिपाही लोग होते हैं उनके पास शील्ड होता है, और वो और कुछ सिपाही लोग होते हैं वो जो बॉव एंड एरो होते हैं, क्या बोलते हैं बॉव एंड एरो, एक और बोलते हैं ना बाला, धनुष, हाँ धनुष, धनुष 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 एरो है ना, और ये बॉव, धनुष और बाण। तो क्या करते हैं, सो वो आगे शार्प होता है ना, आगे शार्प होता है, अगर वो हमें दूर से आके फोर्स में मारेगा हम, हमें काफी बड़ा चोट होगा, हम मर भी सकते हैं, तो बट ये दो उसमें अगर आग होगा क्या होगा, हम मरेंगे भी और आग भी आएगा, और वो आग फैलेगा और काफ़ी लोग उसमें मर सकते हैं। ये क्या है, डबल थ्रेट बोलते हैं, दो हमला एक ही साथ, आग भी है इसलिए जलते हुए तीर है ना, वो तीर के वजह से भी मर सकते हैं और आग के वजह से भी लोग मर सकते हैं। और युद्ध में क्या होता है, एक समय पे शायद हजारों सिपाही लोग वो धनुष और बाण लेके क्या करते हैं, वो जलते हुए तीर एक साथ डालेंगे, तो दूसरे जो कैंप होते हैं दूसरे साइड पे जो है, जो दुश्मन का सिपाही लोग उनके ऊपर आएगा, जो अपना वो जो डाल सही नहीं पकड़े हैं, पूरे कवर नहीं किए, उनके ऊपर आएगा, और अगर वो तीर के वजह से नहीं मरा, आग जल सकता है, वो अगर वो मर रहा है उसके आसपास भी आग फैल सकता है। तो ऐसे है कि हम अगर हम ये विश्वास का डाल से हम कवर नहीं किए प्रॉपर, क्या होगा, हमें नाश कर सकता है, हमारा सोच ना, हमारा निर्णय, ये सब गलत होके हमारा आत्मिक जीवन को नाश कर सकता है। और ये क्या क्या तरीके का जलते हुए तीर हो सकता है, ये डर का ना, डर एक दल ना, शैतान ये अलग अलग तीर को इस्तेमाल करता है, उसके पास अलग अलग तीर है जो सब नेगेटिव है ना, एक ना डर का हो सकता है ना, डर का है, हो सकता है नहीं, डर का है, शक का है, शक, और जैसे लस्ट, लस्ट सेंसुअलिटी, लस्ट क्या बोल सकते हैं, एक प्रेम है, लव है, और लस्ट, लस्ट मतलब क्या, गलत, जैसे किसी को गलत तरीके, कोई लड़की को गलत तरीके से देखना, एक इच्छा बोलते हैं ना, लस्ट बोलते हैं, सो जो प्रेम नहीं है ना, वो शारीरिक इच्छा ऐसा बोल सकते हैं वो, और अकेलापन ना, अकेलापन एक शैतान का तीर हो सकता होगा, जलन और ग्लानी और लालच और ना माफी पर, ना माफी नहीं, माफी करने का हृदय नहीं है, अनफॉरगिवनेस, और गुस्सा, घमंड, निराशा ना, ये सब शैतान इस्तेमाल कर सकता है, और ये सब तीर क्यों इस्तेमाल कर रहा है, हम पाप में गिरने के लिए ना, हम पाप में गिरने के लिए, और शैतान हमारा मन में, जैसे प्रवेश बोलते हैं ना, एक्सेस, हमारा मन में जगह बनाना चाहेगा ना, अपना अपना कंट्रोल लेने के लिए सोचेगा, वासला, वासना, वासना एक्सेस का, लस्ट के लिए, कंट्रोल, कंट्रोल क्या बोलते हैं, एक संयम बोलते हैं ना, संयम सेल्फ कंट्रोल है, राइट, कंट्रोल करना, मैं उनका कंट्रोल करना, काबू करना,
तो सो शैतान हमारा मन को काबू करना चाहिए, हाँ, इसके द्वारा हम पाप में गिरेंगे। अगर मैं विश्वास के डाल सही से नहीं पकड़ा हूँ, क्या वो तीर क्या करेगा, जलते हुए तीर क्या करेगा, मुझे अटैक करेगा और मैं पाप में गिर सकता हूँ, तो गलत निर्णय ले सकता हूँ। और समय के ऊपर समय ऐसा गलत निर्णय ही नहीं, तो पाप में गिरने की वजह से क्या होगा, मैं शैतान का और ज़्यादा मजबूत होगा वो काबू करने में मेरा मन को। तो शैतान के पास एक्सेस है ना, वो मेरा मन को प्रवेश कर सकता है, कि इसीलिए वो मेरा मन में कुछ सोच डाल सकता है, कुछ अनुमान, कुछ अंदाज विचार डाल सकता है, जो मैं नहीं चाहूँगा कभी कभी ये मेरे मन में आना, मगर वो डालेगा। मेरे कंट्रोल में नहीं है, मेरे काबू में नहीं है कि क्या विचार मेरे मन में आएगा, मगर मेरे काबू में क्या है उसके बारे में, उसको मैं ज़्यादा सोचना है नहीं तो उसको छोड़ना है, ये मेरे काबू में है, मैं निर्णय कर सकता हूँ, राइट। तो इंग्लिश में प्रोजेक्शंस बोलते हैं ना, ये कुछ अलग विचार नहीं तो अनुमान। क्यों मन में ये ज़्यादा हमारा मन को क्यों काबू करना चाहते हैं, क्योंकि मन के द्वारा ही हम परखते हैं, मन के द्वारा ही हम समझते हैं ना, और हम निर्णय लेते हैं, हम याद करते हैं। मन का भी शायद आप बिब्लिकल साइकोलॉजी में पढ़ेंगे, पांच काम होता है ना, ये मन के द्वारा ही ये पांच काम हम करते हैं, तो वही मेन है हमारा जीवन का, वो पांच मन का काम बहुत मेन है। उसको काबू कर लिया हमारा पूरा चीज़ का वो काबू कर सकता है, और उसका इच्छा उसका योजना के अनुसार हमें इस्तेमाल कर सकता है शैतान, तो इसलिए वो कोशिश करता है, ठीक है। तो सोच, अगर मेरे अंदर गलत सोच आएगा वो पाप है क्या, मेरे अंदर गलत सोच आएगा वो पाप है, कितने लोग पाप है वो, मैं बोला ना जैसे मेरे अंदर जो सोच आ रहा है उसका कंट्रोल मेरे पास नहीं है, कोई भी सोच आ सकता है, तो अच्छा सोच भी आ सकता है, गलत सोच भी आ सकता है, बट शैतान हमेशा जलते हुए तीर भेज रहा है, तो वो आना पाप नहीं है, मतलब क्योंकि मेरे से नहीं आ रहा है, बाहर से आ रहा है, राइट। ये जो गलत सोच, कोई भी अलग अलग तरीके के सोच हो सकता है, ये इसको इस समय पे ऐसा बात कर दो कि ये सच झूठ बोल दो, नहीं तो इसको सच मत बताओ, नहीं तो ये ऐसा गलत करना, ऐसा कोई जो गलत सोच आना पाप नहीं है, क्योंकि मेरे से उत्पन्न नहीं हो रहा, बाहर से आ रहा, बट उसको मैं ग्रहण करना, नहीं तो उसको मैं उसके ऊपर मैं सोचना, मैं करूँ उसको करूँ क्या ना, उसके ऊपर समय बिता के सोचना वो पाप होगा, राइट। तो पहला क्या करता है, सो पहला पॉइंट ये है ना कि हमें जो सोच आएगा, सोच विचार आएगा, वो गलत नहीं है, वो पाप नहीं है, गलत नहीं है, अगर गलत सोच आएगा वो पाप नहीं है। और दूसरा पॉइंट ये है कि शैतान अलग अलग लोगों को अलग अलग सोच विचार भेजेगा, ये काफ़ी बार हमने देखे ना, शैतान क्या करता है, हमें स्टडी करता है ना, और हमारा सोच विचार, हमारा चाल चलन, हमारा जीवन सब उसको पता है, हमारा क्या एरिया में हम कमज़ोर हैं, क्या सोच लेके आने से वो पाप में गिर सकता है, ये उसको मालूम है ना, तो वो और अलग अलग लोग का अलग अलग अनुमान विचार लेके आएगा, और ज़्यादातर वो वीक एरिया में, कमज़ोर एरिया में वो लेके आए। और तीसरा, शैतान
कहाँ पे ये जला हुआ तीर को इस्तेमाल करेगा कि हम एक देखें ना, एक वीक एरिया देखें और ये भी इस्तेमाल करें जहाँ पे हम जो चीज़ को हम ज़्यादा मूल्य रखते हैं, जो चीज़ को हम अच्छा समझते हैं, नहीं तो मूल्य रखते हैं। मतलब कुछ एग्जांपल देते हैं कि आप सोचिए कि कोई सोचता है कि मुझे सुंदरता, मैं मूल्य रखता हूँ सुंदरता को, ब्यूटी कि सब चीज़ में मैं देखता हूँ ये कितना सुंदर है, मेरा मन में ऐसा है कि मैं सुंदरता अच्छा होना मैं पसंद करूँ। तो शैतान उसको क्या इस्तेमाल कैसे इस्तेमाल करेगा, हर चीज़ में जो ये अच्छा नहीं है, ये सुंदर नहीं है, देखो वो ऐसा गलत तरीके से इस्तेमाल करेगा। तो क्या होगा कि जो भी चीज़ को देख रहा हूँ, नहीं तो कोई भाई बहन को देख रहा हूँ, उनका जीवन को देख रहा हूँ, उसको शैतान देखो ये चीज़ सुंदर नहीं है, तो तुम सुंदरता अच्छा सुंदरता को तुम ज़्यादा मन में रख रहे हो, मगर उनका जीवन में देखो ये एरिया, ये चीज़ इसका वो निर्णय सुंदर नहीं है ना, उनका घर देखो सुंदर नहीं है, उनका कपड़े देखो सुंदर नहीं है, ये उसको मतलब एक अच्छा विचार को वो गलत इस्तेमाल कर सकता है। और ऐसे बोल सकते, ये सब भी दिखा सकते, वो सुंदर नहीं है, उसके साथ क्यों तुम समय बिताना। और अगर मैं सोचूंगा मेरा ज्ञान और बुद्धि का मैं अच्छा है वो, बट उसको शैतान कैसे इस्तेमाल कर सकता है कि ये व्यक्ति बुद्धिमान नहीं लग रहा, उसके साथ तुम समय बिताने की जरूरत नहीं, तो ये जो चीज़ हुआ है वो बुद्धि वाला नहीं है, ये और उसमें ज्ञान बात नहीं है। तो जो हम वैल्यू ज़्यादा दे रहे हैं हमारा मन में, उसको गलत इस्तेमाल गलत प्रयोग कर सकता है। तो इसमें जैसे हमने सुंदरता का देखे हैं, ज्ञान बुद्धि का देखे हैं, और ऐसे परमेश्वर का आशीष को भी वो दिखा सकता है, और बाकी लोगों का प्रेम मिलना, तो वो मुझे प्रेम करना है, ये मुझे प्रेम करना है, मतलब अच्छा रिश्ता में होना है, उसका भी गलत इस्तेमाल कर सकता है। और लास्ट एक पॉइंट देखेंगे क्लास में कि ये शैतान का युक्ति, ये जो जले हुए तीर भेज रहे हैं हमें, हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं, और कैसे शैतान युक्ति सोचता है। तो पहले चीज़ वो ये सोच विचार भेजता है, ये जला हुआ तीर है, जलता हुआ तीर है, और हमारा पास क्या ऑप्शंस है, हम क्या निर्णय ले सकते हैं जब ऐसा कुछ सोच आएगा शैतान के तरफ से, हम छोड़ सकते हैं उसको, अलग कर सकते हैं, मैं उसके बारे में नहीं सोचने वाला हूँ, नहीं तो उसके बारे में मैं सोचूंगा, ये दो चीज़ ही मैं कर सकता हूँ, राइट। तो अगर मैं सोचूंगा उसके बारे में, शैतान उसी को इस्तेमाल करेगा, अगर मैं उसको छोड़ूंगा, उसको उसके बारे में नहीं सोच रहा, निर्णय ले रहा मैं नहीं सोचने वाला, दूसरा तीर भेजेगा शैतान, और कुछ समय पे अलग अलग तीर एक साथ भेज सकते हैं, जैसे वो युद्ध में काफ़ी अलग अलग तीर, एक के ऊपर चार पांच तीर आ सकता है, तो कोई समय ऐसा हो सकता है कि एक ही साथ चार पांच तीर हो सकते। और जब ऐसा होता है कि जब भी हम बहुत मुख्य निर्णय लेने वाले हैं, तब ये ज़्यादा अटैक कर सकता है। तो एक एग्जांपल देखेंगे कि ये प्रिंसिपल समझने के लिए, तो एक व्यक्ति बोल रहा था, अपना पासवान के साथ बात कर रहा था, तो वो घर से, वो अपना जहाँ पे ऑफिस है उधर से घर के पास जा रहा है ना कार में, वो 30 मिनट लगता है उनको कार पे, वो क्या करते हैं हर बार पानी बॉटल लेके जाता है उनका गाड़ी में, जब प्याज होता है वो पीते हैं, और उस दिन उन्होंने पानी बॉटल नहीं लेके जाता, ठीक है, और वो बोल रहे कि वो मुझे प्याज तो नहीं लगा, बट मैं जैसे चल रहा था साइड में एक एडवर्टाइजमेंट देखा रोड पे एक कूल ड्रिंक के बारे में, तो देख के कुछ समय के बाद मुझे प्याज लगने लगा, मैं रेडियो ऑन किया
कुछ समय के बाद एक एडवर्टाइजमेंट आया कुछ जूस का, मुझे अभी प्यास लगने लगा। और ये आधा घंटे के रास्ते में चार पांच अलग अलग जगह पे, जैसे रेस्टोरेंट हैं, नहीं तो स्टोर हैं, एडवर्टाइजमेंट हैं, मुझे मन में वापस वापस कुछ पियो, हमें प्यास लग रहा है कुछ पियो करके। मुझे प्यास नहीं है उतना, बट मुझे मन में, क्योंकि इतना एडवर्टाइजमेंट देख रहा हूँ ये, और रेडियो में भी आ गया, और ये रेस्टोरेंट देख रहा हूँ उसमें ऐसा पिक्चर है, ऐसा अच्छा दिख रहा है, ये सब देख के मुझे प्यास लगने लगा। तो ये प्रिंसिपल है ना, ये क्या सिद्धांत, सिद्धांत बोल सकते हैं, यही चीज़ शैतान इस्तेमाल करेगा ना। ये क्या करेगा, आपके पास एक चीज़ नहीं है करके दिखाएगा, और वापस उसके ऊपर सोच विचार बार बार डालेगा, ये देखो ये अच्छा है, ये देखो ये अच्छा है, तुम्हें चाहिए, और मुझे जर मैं उसके बारे में शायद सोचूंगा नहीं, मगर वो विचार लेके लेके आएगा, बार बार लेके आएगा हमें उसमें गिरने के लिए, राइट। ठीक है, ये क्लास अभी इधर ख़त्म करेंगे, नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में और डिटेल देखेंगे ना, शैतान का युक्ति के बारे में।